नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत देखिए दो अंक का हासिल वाला जोड़, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दो अंक का हासिल वाला जोड़ लगाकर समझाने वाला हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से दो अंकों का जोड़ देखिए कि किस तरह से हम दो अंकों का जोड़ हासिल वाला जोड़ हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ सवाल दिया गया है 75 में धन 49, 75 में 49 का योग करना है, तो इकाई अंक से हम जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ इकाई अंक पर 5 है, यहाँ 9 है, 9 में 5 को जोड़ने पर 9 5 14 होता है, तो 14 का इकाई अंक 4 हम यहाँ लिखेंगे और हासिल जो दहाई है यहाँ हासिल लगा देंगे। इसके बाद 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 3 10 11 1 12 होता है, इस तरह से 7 में 1 जोड़ लिए 8, 8 4 12 हो गया, ये हो गया 124 हो गया, अर्थात 75 में 49 हमने जोड़ा 124 हो गया। सवाल नंबर दूसरी है, देखिए 69 है, ये 6 दहाई 9 इकाई, 69 में 24 का जो योग करना है, तो इकाई अंक पर यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 3 13, 13 के 3 हो जाएगा इकाई अंक का, और दहाई अंक 1 हासिल हो गया, 6 1 7 और 7 2 9 हो गया, ये 93 हो गया, 93। 69 में 24 जोड़ने पर 93 आता है। सवाल क्रमांक 3 है, देखिए 96 में 26 का योग करना है, इकाई अंक से हम जोड़ना शुरू करेंगे, इकाई पर 6 है, यहाँ भी 6 पर है, 6 में 6 जोड़े, 6 2 12 हो गया, 6 दूनी 12, 12 के 2 यहाँ लिखेंगे और हासिल 1 लगा देंगे, 9 1 10, 10 2 12 हो गया, 122 हो गया, ये 96 में 26 जोड़ने पर 122 उत्तर आता है। सवाल क्रमांक 4 हम देखते हैं, 57 में 27 जोड़ना है, तो इकाई अंक से हम जोड़ना शुरू करेंगे, दाहिने हाथ की तरफ इकाई अंक है, 7 में 7 जोड़े, 7 दूनी 14 हो गया, 14 की 4 लिखेंगे, हासिल 1 लगा देंगे, 5 1 6, 6 7 8, 5 2 7, 7 1 8, ये 8 हो गया, इसका वाचन हम करेंगे 84। और अगली सवाल है, देखिए 88 में 38 जोड़ने पर इकाई अंक पर 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 में 8 जोड़ें, 8 दूनी 16, 16 के 6 लिखेंगे हम, हासिल 1 लगा दिए, 8 1 9 हो गया, 8 में 3 जोड़ने पे 11 होता है, 8 9 10 11 11 1 हासिल जोड़ दिए, 12 हो गया, ये 126 हो गया। 88 में 38 जोड़ने पर 126 होता है। और अगली सवाल है, देखिए 65 में 49 जोड़ना है, इकाई अंक से हम सवाल शुरू कर रहे हैं बच्चों, 9 में 5 को जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 4 14, 14 के ये 4 हो गया, हासिल 1 लगा दिए, 6 4 10 हो गया, 6 4 10, 10 1 11 हो गया, ये 114, इस तरह से 65 में 49 जोड़ने पर 114 होता है। सवाल क्रमांक हम 7 देखते हैं, 78 में 19 जोड़ना है, इकाई अंक पर देखिए 8 है, यहाँ 9 है, 8 8 16, 16 और 1 17 के 7 लिखेंगे, 8 में 9 जोड़ने पे 17 होता है, 17 के 7 हासिल 1, 7 1 8, 8 1 9 हो गया, ये 97 हो गया, 9 दहाई 7 इकाई 90, 7 97 उत्तर आया। और अगली सवाल है, देखिए 26 में 38 जोड़ना है, इकाई अंक से हम जोड़ प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों, 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 2 10, 10 4 14, 8 6 14, 14 के 4 लिखेंगे,
सिन एक हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, ये 64 इसका उत्तर आया। अर्थात 26 में 38 जोड़ने पर 64 उत्तर आता है, ये हासिल वाली जोड़ है। और सवाल क्रमांक 9 हम देखते हैं, 57 में 69 का योग करना है, तो 9 में 7 जोड़ने पर 9 1 10 16, 16 के 6 लिखेंगे, हासिल 1 हो गया, 6 5 11 11 1 12 हो गया, ये 126 आ गया। और अंतिम सवाल 10वां सवाल है, देखिए 87 में 99 का योग करना है, 87 धन 99, तो 9 में 7 जोड़ने पे 7 में 9 जोड़ने पर 9 1 10 16, 16 के 6 हो गया, हासिल 1 लगा देंगे। अब ऊपर 8 है नीचे 9 है, इसको 9 बना लिया हमने, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 के 9, 9 दूनी 18 हो गया, 186 हो गया इसका उत्तर। तो फिर से हम देखते हैं इस सवाल को, इसका वाचन मैं करके एक बार आपको बता रहा हूँ, 75 धन 49 बराबर 124, 69 धन 24 बराबर 93। तीसरा सवाल है 96 धन 26 बराबर 122। चौथा सवाल है 97 धन 27 बराबर 84। पांचवा सवाल है 88 धन 38 बराबर 126। छठा सवाल है 65 धन 49 बराबर 114। सातवां सवाल है, देखिए बच्चों 78 धन 19 बराबर 97 उत्तर आएगा। आठवां सवाल है, ये सातवां थी, आठवां है 26 धन 38, 26 में 38 जोड़ने पर 64 उत्तर आएगा, तो 26 धन 38 बराबर 64। और नौवां सवाल है 57 धन 69 बराबर 126 उत्तर आएगा। और दसवां सवाल है 87 धन 99 बराबर 186। तो इस तरह से बच्चों आप इस वीडियो के माध्यम से 2 अंकों में 2 अंकों का जोड़, यहाँ देखिए जितनी भी सवाल है इकाई अंक पर हासिल लगाना है, अर्थात प्रत्येक सवाल के इकाई अंक का योग जो है वो 10 से अधिक है, 9 से अधिक है, अर्थात 9 से अधिक होने पर, दहाई होने पर हासिल लगाते हैं। तो ये जितनी भी सवाल लिखी गई है, इन हर सवाल में हमें क्या करना है, हासिल लगा करके जोड़ना है, तो इसलिए इसे 2 अंक का हासिल वाला जोड़ कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 2 अंकों का हासिल वाला जोड़ या योगफल लगाना सीखिए। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।